जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल जगदम्बा भक्ति। जगदम्बा भक्ति में आप जानते हैं कि हम आपको धर्म से संबंधित जानकारियां देते हैं और धर्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं मैं आपको समय समय पर सुनाती रहती हूं। आज ही एक ऐसी रोचक कथा, एक ऐसा प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसमें यह बताया गया है कि यदि हम भाव से, प्रेम से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमारी बात जरूर सुनते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक राजा के दरबार में विद्वानों की सभा चल रही थी। एक विद्वान भागवत पुराण में वर्णित गजेंद्र मोक्ष नामक रोचक कथा सुना रहे थे। वे बोले, गणराज की करुण पुकार सुनते ही भगवान नारायण भागते हुए चले आए और जल्दी में वे अपना संख और चक्र लेना भी भूल गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी संगनी देवी लक्ष्मी को भी सूचित नहीं किया। विद्वान की बात सुनते ही राजा ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी, कृपया आप मुझे यह बात बतलाइए कि वह जगह वैकुंठ से कितनी दूर है जहां से उस हाथी ने पुकार लगाई थी। विद्वान ने उत्तर दिया। विद्वान कहने लगे, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। राजा कहने लगा, ऐसा क्यों? विद्वान कहने लगे, ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दरबार में मौजूद बाकी सभी विद्वानों से बारी बारी से यह प्रश्न किया गया, परंतु कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं था। सबने ही अपनी असमर्थता जताई। अचानक राजा के पीछे खड़ा एक व्यक्ति धीरे से बोला, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बता सकता हूँ। राजा की अनुमति मिलते ही वह बोला, हे महाराज, उस जगह से वैकुंठ उतना ही दूर था जितनी दूर से उस हाथी की पुकार सुनी जा सके। इसीलिए कहते हैं कि भगवान नारायण का एक नाम हृदय निवासी भी है। अर्थात जब भक्त भाव से भगवान को याद करते हैं तो भगवान उसकी करुण पुकार जरूर सुनते हैं, क्योंकि भक्त तो हमेशा ही प्रभु के स्मरण में लगा रहता है, उसकी भक्ति में लगा रहता है। किंतु भगवान जो भाव से भगवान को याद करते हैं, भगवान सदैव उनके हृदय में निवास करते हैं। और इसी प्रकार इसीलिए कहा जाता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रीमन नारायण जरूर लिखें। राधे राधे।